हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जेईई मेंस का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। सबसे पहले आप जेईई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। उसके लिए हम यहाँ पे ब्राउज़र में जेईई मेन डॉट एनआईसी डॉट आईएन ओपन करेंगे। यहाँ पे जेईई मेन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। अब हम इस ऑफिशियल वेबसाइट के पे होम पेज पे सबसे नीचे जाएंगे। यहाँ पे अप्लाई फॉर जेईई मेन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसे क्लोज करें। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर जेईई मेन पे प्रेस करें। यहाँ भी क्लोज करें। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको रीड कर लेने हैं। ये मतलब टर्म एंड कंडीशन है, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जेईई मेन 2017। सबसे नीचे जाएं यहाँ पे और इसे टिक करें, फिर प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन पे जाएं। अब हमें यहाँ पे फॉर्म को ऑथेंटिकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करें, जिस स्टेट से हैं आप वो फिलअप करें। अब कौन से स्टेट से आपने 12 किया है या करने वाले हैं या कर रहे हैं वो फिलअप करें। सेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन टाइप, अपना आधार नंबर सेलेक्ट करें अगर आपके पास आधार नंबर है तो। अपना आधार नंबर यहाँ नोट करें, जो भी आपका आधार नंबर है वो टाइप करें। फिर कैंडिडेट्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद सेक्रेटरी पिन जो यहाँ पे टाइप है वो टाइप सेलेक्ट करें। फिर अपने सभी फॉर्म की जानकारी को फिलअप करने के बाद आई एग्री सबमिट करें, यहाँ पे क्लिक करें और सबमिट पे प्रेस करें। सबमिट ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म एक आएगा, जिसमें आपको अपना अप्लाइंग फॉर आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप दोनों चीज़ जेई मेन फर्स्ट पेपर और जेई मेन सेकेंड पेपर के लिए अप्लाई दोनों एक साथ करेंगे तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जेई पेपर जेई मेंस पेपर वन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा, पेन पेपर या कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर पर एग्जाम देना चाहते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना पेन एंड पेपर बेस्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अपने एग्जामिनेशन सेंटर को कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करें। मान लीजिए सबसे पहले मैंने पटना सेलेक्ट किया है। सेकेंड एग्जाम, अब चार ऑप्शन हैं आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के। ऊपर के सभी जानकारी को फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे आप कौन से ईयर में टेंथ किया है आपको वो फिलअप करना है, और उसके बाद आपको स्कूल बोर्ड ऑफ 12th क्वालिफाइंग जैसे डिटेल्स फिर फिलअप करने होंगे। कौन कौन से आपने मतलब एग्जामिनेशन पास किए हैं उसके बारे में आपको फिलअप करना होगा, और फिर लास्ट में आपको कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस अपना फिलअप करना है, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ETC, अपने पेरेंट्स के क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम भी आपको सबमिट करना होगा। फिर आप ऐसे यहाँ पे अपने पासवर्ड को भी एंटर करें, फिर पासवर्ड को कंफर्म करें, और पासवर्ड को याद करने के लिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको देना पड़ेगा, और लास्ट में ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे एंटर करना है, ये वाला सिक्योरिटी पिन यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम अब हमारे पास फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आया है नेक्स्ट पेज पे। अब हम यहाँ पे सबमिट का आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे प्रेस करेंगे। अगर आपके किसी इन्फॉर्मेशन में कोई भी गलत चीज़ आ गई है तो आप एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन पे जाके। यहाँ पे यस डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, यस प्लीज़ डू।
अब इस यहाँ पे हमें अपने स्कैन फोटोज और साइन को सबमिट करना है, अपलोड करना होगा। यहाँ पर अपने फोटोग्राफ्स, आप अपने फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर यहाँ दोनों ऑप्शन पे अपलोड करें। प्रीव्यू ऑप्शन पे फिर क्लिक करें। हम लोगों ने प्रीव्यू कर लिया है, लास्ट में यहाँ इस ऑप्शन पे टिक करें और फिर उसके बाद फाइनल अपलोड पे प्रेस करें। अब बारी आई है पेमेंट करने की। अब यहाँ पे आपको 1000 रुपये, अगर आप जनरल ओबीसी कास्ट के हैं तो 1000 रुपीज पेमेंट करना होगा। एससी एसटी के लिए अलग चार्जेज हैं। यहाँ पे गो फॉर पेमेंट ऑप्शन पे जाएं। अगर आप चालान बैंक के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ ई चालान ऑप्शन पे जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, एसबीआई बॉडी वैलेट, कैश कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं डेबिट कार्ड से करना चाहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। इस पे अधिक जानकारी के लिए ज्ञानबुक.in वेबसाइट विजिट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक